नमस्कार अंधभक्तों, आपके परम पूजनीय मोदी जी ने चीन के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आप जिन्हें पूजते हैं, जिन्हें विश्व गुरु मानते हैं, आप जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कहते हैं, वो तो चीन से डरते हैं। इतना डरते हैं कि भारत के हिस्से पर चीन कब्जा करता रहा और मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अब चीन ने भारत पर एक और बार किया है, भारत को नीचा दिखाने का काम किया है। चीन ने अपने यहाँ होने वाले एशियन गेम्स में भारत के अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों पर चीन में आने से रोक लगा दी है। मतलब चीन ने एशियन गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीजा देने से ही इनकार कर दिया है और आपके विश्व गुरु कुछ भी नहीं कर पाए। पर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब LAC पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर चीन ने कब्जा कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर जमीन कब्जा कर वहाँ गाँव बसा लिया था और पंत प्रधान सब कुछ मौन रहकर देखते रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अरुणाचल प्रदेश है जिस पर चीन हर रोज कब्जा करता रहा है। चीन को मोदी का बिल्कुल डर नहीं है। कुछ दिन पहले ही चीन ने अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। आप खुद सोचिए, ऐसा विश्वगुरु किस काम का जो अपने देश की जमीन नहीं बचा पा रहा है। चीन से इतना डर है कि उसका नाम लेने से भी उनकी जुबान कांपती है। देशभक्ति की बातें करने वाले मोदी जी आज देश को कमजोर कर रहे हैं। क्या आप मोदी की तरह अपने देश को कमजोर करना चाहते हैं? क्या आप भी इंडिया भारत की लड़ाई में पड़ना चाहते हैं? क्या आप भी बेरोजगारी को और बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप महंगाई की मार झेलना चाहते हैं? क्या आप भी किसानों की आत्महत्या देखना चाहते हैं? क्या आप भी किसान, जवान और खिलाड़ियों का अपमान होते हुए देखना चाहते हैं? या फिर आप इंडिया का हिस्सा बनकर देश और अपनी तरक्की देखना चाहते हैं? 2024 में उखाड़ फेंकी ऐसी कायर सरकार को। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।